एक और चीज़ है, इंदौर के कोर्ट में आपने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्या हुआ था एक्चुअली इंदौर के कल जो दिन भर जो सुनवाई हुई उसमें दरअसल हुआ क्या था? कल जिस माननीय न्यायालय के समक्ष हमने आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्होंने स्पेशल कोर्ट के नोटिफिकेशन की लाइट में ये कहा कि इस प्रकार का केस केवल भोपाल के स्पेशल जज के ही सुनवाई हो सकती है, इसलिए मुझे सुनने की अधिकारिता नहीं है। हमने इस विषय पे भी अपनी बात रखी थी, हमने उनको ये कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तारतम्य में स्पेशल कोर्ट जो बनी है, दे हैव बीन मेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर द कंडक्शन ऑफ ट्रायल। ट्रायल का विषय आता चार्जशीट फाइल होने के बाद, लेकिन जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश है वो शिरोधार्य है और आज हमने अपने आवेदन प्रस्तुत किया है, कल उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हो। काश विजयवर्मी के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के समक्ष हमने उनका जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पे सुनवाई कल माननीय न्यायालय ने रखी है और माननीय न्यायालय ने इंदौर के संबंधित एसएसपी को भी निर्देशित किया है कि वह डायरी यहाँ सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें। सुनवाई कब होगी? कल होगी। आप समय तो माननीय न्यायालय अपना स्वयं तय करती है, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कितनी बजे सुनवाई होगी। सर, दो चीज़ें हैं कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि उनमें जमानत संभव नहीं, आप क्या कहते हैं? उस प्रकरण में केवल एक ऐसी धारा है जिसमें वो जो गैर जमानती है, लेकिन वो ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उसमें जमानत देने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने निरस्त की। उसी आदेश के खिलाफ हम यहाँ अपनी जमानत अर्जी प्रस्तुत करने आए थे। आकाश विजयवर्गीय पे एक धारा लगी है 353 शासकीय कार्य में बाधा की। मैंने कल भी ये बात कही थी और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि वो स्वयं एक लोक सेवक है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत वो नगर निगम के पदेन सदस्य हैं। उनको अगर इतना अधिकार नहीं है जनता के प्रतिनिधि के रूप में कि वो किसी अधिकारी से जो अधिकृत था या नहीं था ये भी तय नहीं है ये पूछने का कि वो क्यों आए हैं, मकान क्यों तोड़ने आए हैं, और ठीक बारिश के पहले गरीबों का मकान क्यों तोड़ा जा रहा है, अगर ये विधायक प्रश्न करता है या पूछता है तो किस प्रकार से ये अपराध है, ये एक बड़ा प्रश्न है, नंबर एक। नंबर दो, आकाश विजयवर्गीय जब थाने गए अपना आवेदन देने, जिस महिला के साथ बदतमीजी हुई, जिसके घर में घुसकर उसको जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया गया, जिसके साथ बदतमीजी की गई, उस महिला के आवेदन पे कार्यवाही हो, इस कार्रवाई करवाने के लिए वो थाने गए, उस महिला के आवेदन पर कार्यवाही कब होगी,